मंत्री बिसाहूलाल के विवादित बयान पर विरोध। मंत्री बिसाहूलाल के विवादित बयान पर माफी मांगने के बाद भी इस्तीफे की मांग पर अड़ी करनी सेना। पुतला दहन करते हुए मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े करनी सेना के कार्यकर्ता। मंत्री बिसाहूलाल के द्वारा महिलाओं को लेकर विवादित बयान देने के बाद अब बड़े शहरों के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी मंत्री बिसाहूलाल का पुतला दहन किया जा रहा है। इसी के तहत नरवर में करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने मंत्री बिसाहूलाल के द्वारा महिलाओं के ऊपर दिए गए विवादित बयान को लेकर पुतला दहन किया। साथ ही मंत्री बिसाहूलाल के इस्तीफे की भी मांग की। करनी सेना ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मंत्री बिसाहूलाल को पद से नहीं हटाया गया तो आगामी 2023 के चुनाव में इसका परिणाम भाजपा को भुगतना होगा। पुतला दहन के समय करनी सेना के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। समाज द्वारा बिसाहूलाल जो मध्य प्रदेश शासन मंत्री है, उसने अभी कुछ दिन पहले हमारे क्षत्रिय समाज की महिलाओं के बारे में कुछ गलत शब्द बोले थे, जिसका विरोध पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में हो रहा है। आज हम लोगों ने भी उसका विरोध दर्ज किया है, उसका पुतला दहन किया है। और क्षत्रिय समाज हमेशा आगे से महिलाओं के सम्मान में हमेशा रहता है, लेकिन इन जैसे राजनेताओं ने जो हमको कुछ नहीं समझते, एक भाषा जो भी है समझते नहीं है, जो भी कुछ भी बोल देते हैं, उनके ही आज उसका ही हमने आज पुतला दहन किया है। और हम आगे से एक और चेतावनी देते हैं, सभी जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, जितने भी राजनेता हैं, भविष्य में हमारी राजपूत समाज के बारे में अगर ये लोग गलत बोलेंगे तो इसका पूर्ण रूप से तरीके से विरोध होगा। और मेरा सरकार से निवेदन है, शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन है कि इसका इस्तीफा तुरंत लिया जाए, तभी राजपूत समाज को उसकी एक सद्भावना मिलेगी, नहीं उससे पहले ऐसे ही विरोध दर्ज होता रहेगा। और हमें माफी से कोई लेने देना नहीं है, ऐसे कोई बात थोड़ी होती है कि माफ तुम बोल दो और माफी मांग लो। इसलिए उसका इस्तीफा चाहिए हमें, और पार्टी से बर्खास्त चाहिए।